हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मनु खाना खजाना में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सूजी का बैटर। तो हम लगभग इस कटोरी में 1.5 कटोरी सूजी ले लेते हैं, आधे कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा दही ले लेंगे और इसी में डाल लेते हैं स्वादानुसार नमक। तो हमने लगभग 1.5 चम्मच नमक डाल लिया और अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो ये दही में मिक्स कर दिया और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने सूजी, नमक और दही को अच्छे से मिक्स कर दिया और एक गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बना दिया। और अब इसे लगभग 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद सूजी बहुत ज्यादा पानी सोखती है, तो अगर ये बैटर ज्यादा गाढ़ा हो जाता तो ऊपर से पानी मिक्स करके एक सही बैटर तैयार। तो ये देखिए, हमने सूजी को लगभग 20 मिनट तक फुला लिया है और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। तो अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे और एक गाढ़ा बैटर अच्छे से तैयार कर। तो ये देखिए, हमने इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कुछ सब्जियां। तो हमने एक बड़ी प्याज ली है, उसको बारीक कट कर लिया है, उसको डाल देते हैं। एक टमाटर, उसको भी बारीक कट कर लिया है। और एक शिमला मिर्च, इसको भी एकदम बारीक ही कट किया है और सबको इसी में डाल दे। इसी में डालेंगे हम 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो इसकी भी कर। 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच ही ऑर्गेनो। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, सभी सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करें। तो अब हमने ले लिया है तवा, इसको थोड़ा गर्म हो जाने दे। तवा गर्म हो गया तो हम इसमें लगा देते हैं अच्छे से पूरे तवे में बटर। बटर जमा हुआ है तो हम इसको ऐसे ही लगा दे रहे हैं। अब ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। लेंगे एक ब्रेड और ये जो बैटर है हम इसे ब्रेड में लगा देते हैं, अच्छे से चारों तरफ ब्रेड में लगा देते हैं। तो ये देखे, हमने ब्रेड में अच्छे से लगा लिया। अब इस ब्रेड को जिस तरफ हमने बैटर लगाया उसी तरफ से इसको ऐसे रख, और इसी तरह एक हम और ब्रेड तैयार इसमें भी लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड में भी लगा लेंगे और इसे भी उसमें रख देंगे। तो इसको आराम से रखेंगे ये, और मीडियम फ्लेम में अच्छे से उस तरफ पक जाने देंगे और हम इसके ऊपर भी इस बैटर को लगा देते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर भी, जब एक तरफ सिकने लग जाएगा तो हम दूसरी तरफ भी बैटर को लगा देंगे ब्रेड में। अब हम आराम से ब्रेड को पलटा देते हैं। तो अब हम इसको दूसरी तरफ भी आराम से थोड़ा सा बल्कि हाथ लगा लेंगे और आराम से ऐसे पलटा देंगे। और ये देखिए, इधर ये कितने अच्छे से पक चुका है। अब दूसरी तरफ भी इसे ऐसे ही सेक लेंगे, दूसरी ब्रेड में भी ऐसे ही बैटर लगा के उसको भी पलटा। तो अब हम दूसरे ब्रेड को भी इसी तरह से पलटा लेते हैं ऐसा हाथ की मदद से। तो ये देखिए, हमने दोनों ब्रेड को अच्छे से पलटा लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा, तो चीज को हमने पहले ही ग्रेट करके रखा था तो थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं। तो पूरे ब्रेड में अच्छे से फैला लेंगे चीज को जो ग्रेट करके रखा था। और अब इसको हम थोड़ी देर तक पकने देंगे धीमी आंच। हम ब्रेड को थोड़ा ढक के पका लेंगे जिससे कि चीज अच्छे से मेल्ट हो। तो ये देखिए, ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा पक चुका है और हमारी चीज भी मेल्ट हो चुकी है। तो हम इनको निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ये दोनों ब्रेड को हमने निकाल लिया और ये कितने टेस्टी दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से चीज भी डाला है तो ये बहुत चीजी दिख रहे हैं। और अब हम इसी तरह दूसरे भी बना लेते हैं। हमने फिर से बटर लगा लिया है तवे में और दूसरी ब्रेड में भी हमने अच्छे से बैटर को फैला लिया और अब इसे धीमे से रख देंगे ऐसे। और इसी तरह एक और ब्रेड में करके उस ब्रेड को भी रख देते हैं और दूसरे ब्रेड को भी हम इसी तरह से आराम से रख देंगे। इसको हम बीच से कट कर देंगे और ये देखिए, ये फ्रंट और पीछे भी कितने अच्छे से पका हुआ है। तो अभी हम इसकी कर देते हैं प्लेटिंग। तो ये देखिए, ब्रेड और सूजी का एकदम चीजी नाश्ता बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा और देख के ही मुंह में पानी आ रहा।
इसमें वेजिटेबल्स डली हैं तो ये हेल्दी भी है, तो एक बार जरूर बनाइए सूजी का टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। थैंक यू।